नमस्कार, आप सबका स्वागत है एमपी तक पे केस लाइव में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षु ठाकुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज भी लगभग 100 चयनित शिक्षक जो हैं वो धरना दे रहे हैं। मांग यही है कि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो कराई जाए। आपको बता दें पूरा मामला एक बार की आज हम उनसे बात भी करेंगे। देखिए आपको भरत यादव जी और तमाम जो चयनित शिक्षक है वो हमारे साथ जुड़े हुए। भरत जी और तमाम जो आप लोग जुड़े हैं आप सबका स्वागत है एमपी तक पर। जी मैम धन्यवाद। देखिए बस चर्चा में शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले तमाम जो दर्शक जुड़े हैं उनको मैं एक बार ये चीज बता दूं कि किस तरीके से 16 मार्च को जो शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार उनका ट्वीट करके बताया था कि चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी गई थी, लेकिन उसमें ओबीसी वर्ग के जो शिक्षक हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। और उसके बाद से लगातार ओबीसी चयनित शिक्षक जो है वो अपने नियुक्ति पत्र की जानकारी देने के लिए धरना दे रहे हैं। कड़ी धूप अप्रैल के महीने की, उसमें लगभग 100 ये शिक्षक बैठे हुए हैं और अनशन भी कर रहे हैं। और क्या कुछ है पूरा मामला हम इनसे भी जानेंगे। भरत जी, आप लोग हैं जो फिलहाल बैठे हैं धरने में, कब से बैठे हैं? मैम हम लोग 100 लोग हैं और 21 मार्च से कंटिन्यू यहाँ पर बैठे हुए हैं। और 3 अप्रैल से हम लोगों ने भूख हड़ताल, किरमिक भूख हड़ताल चालू कर दी थी, जो अब आमरण अनशन में बदल गई है 25 अप्रैल से, और ये कंटिन्यू चलेगा। 5 लोग हमारे आमरण अनशन पर बैठे हैं, कल 20 लोग बैठेंगे, और इनकी तबीयत भी खराब हो गई है मैम। अभी कल एम्बुलेंस आई थी तो ले गई थी, ये बीमार पड़े हैं हमारे ब्रजभूषण यादव जी हैं और सर पवार जी हैं हमारे, और एक मिथुन धाकड़ सर हैं ये मैम। तो ये एक 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 बुधनी से है मामा जी की विधानसभा से, वो एडमिट है हॉस्पिटल में अभी। तो देखिए आप लोग 21 मार्च से धरने पर हैं, आप लोग आमरण अनशन भी कर रहे हैं, महिलाएं भी जो है वो भी यहाँ पर है। क्या अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है बातचीत की, मिलने की? नहीं मैम, अभी हम लोग आज वल्लभ भवन गए हुए थे तो शिक्षा माननीय शिक्षा मंत्री से जी मिलने की कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं और कोई ठोस आश्वासन नहीं दे रहे हैं जी। और मामा जी से भी मिलने के लिए हम लोग अग्रसर हैं तो मिल नहीं रहे मामा जी। तो आप लोगों ने जी, आप डीपीआई के बाहर लगातार बैठे हुए, एडुकेशन ऑफिस से जो होते हैं उनसे मुलाकात, अधिकारियों से मुलाकात की कोशिश? जी मैम, अधिकारी भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं देते मैम। जी मैम जी मैम जी। और इन सब में इंदर सिंह परमार जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनसे आपने बताया कि मिलने की आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे, तो क्या जवाब? आप ही ने बताया वल्लभ भवन गए थे, वहाँ पे वो बैठते हैं, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहे, तो क्या क्या बोला क्या जा रहा है आप लोगों को? मैम हम लोग को मतलब आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा कि आपके भविष्य का क्या होगा। और हम लोग 1.5 महीने हो गए कंटिन्यू 21 मार्च से बैठे हुए हैं और 150-200 लोग कंटिन्यू यहाँ बने रहते हैं मैम, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा है। इस बीच आंबेडकर जयंती के दिन आप लोगों ने वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया भी था, एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि आप लोग शिक्षक हैं और आप लोग अपना कर्तव्य जो है उसका निर्वहन कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई फर्क सरकार को पड़ता दिखाई नहीं दिया? नहीं मैम, हम लोग यहाँ पर एक सारे बच्चे जो थे झुग्गी झोपड़ियों के सारे बच्चों को लाते हैं, डेली 100 बच्चों को टीचिंग भी कराते हैं, मतलब सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस सब्जेक्ट का जो टीचर है, हिंदी मैथ इंग्लिश सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए ताकि भाई हम लोग अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं फुटपाथ पे पढ़ा रहे हैं, भविष्य में हम लोग विद्यालय में पढ़ाएं, यही मामा जी से प्रार्थना है कि मामा जी प्लीज हम लोगों को फुटपाथ से उठाएं और विद्यालय भेजें, क्योंकि हम लोग मेरिट्स में आए हुए छात्र हैं। तो देखिए आप लोग को जब ज्वाइनिंग नहीं दी गई तो उस वक्त क्या बोला गया था, अगर आप वो थोड़ा बता सकें? मैम अभी कोई लिखित आश्वासन भी नहीं, उसमें लिखित मतलब कोई नोटिस भी नहीं दिया गया कि किस कारण से हमारी भर्ती रुकी हुई है, कोर्ट का कोई ऐसा मतलब कॉपी भी हमें लोगों को डीपीआई के माध्यम से नहीं मिल रही जिसमें ये इंगित होता हो कि इस ये स्टे है और इस तारीख को स्टे हुआ है, और जो हमारी मेरिट आउट होती है उसमें भी मेंशन नहीं रहता है कि आप किस कारण से होल्ड हो या आपकी वेटिंग को नहीं उठाया गया है जी। तो कुल मिला के कोई जवाब नहीं मिल रहा है, धरना आप लोग का जारी है, आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, और लगभग 4 साल हो गया है मेरे हिसाब से आप लोग, जो मुझे याद है कि आप लोग अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। हाँ मैम 4 साल 2018 की भर्ती है,
और अभी भी ये पंचवर्षीय भर्ती चल ही रही है मैम, और पता नहीं ये दूसरी इलेक्शन में 2023 की ओर ना चली जाए। ठीक है भरत जी, महिलाएं जो शिक्षिकाएं हैं वो भी मेरे हिसाब से धरना स्थल पर है, अगर उनसे आप मेरी बात करवा सके, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। जी जी मैम, मैं लाऊं से जी। तो देखिए ये है मैम, माफ कीजिए, शिक्षक जो है बैठे हैं जी मैम, अप्रैल की गर्मी में और लगातार वो जो है धरना दे रहे हैं। मांग यही है कि नियुक्ति जो इनको मिलनी चाहिए वो इन्हें मिल जाए जी। मैम आपका नाम अगर आप मुझे बता सकें। जी मैम, मेरा नाम अंशुलिका वर्मा है। अंशुलिका जी, 21 मार्च से आप लोग का धरना चल रहा है, महिलाएं खासतौर पे आप लोग धरने पे बैठी हुई हैं कड़कती धूप में, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, कितना डिफिकल्ट कर रहे हैं वो। जी मैम, आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैम, एक बार और बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि देखिए आप लोग 21 मार्च से लगभग धरने पर बैठे हुए हैं, और क्या क्या परेशानियां आपको इसमें सामने आ रही है? मैम हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि हम 21 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पास मतलब आर्थिक बहुत बड़ी एक परेशानी आ रही है सामने, लोगों के पास आने के लिए और रहने के लिए मतलब आर्थिक सबसे बड़ी एक परेशानी इसका कारण यहाँ पर आ रही है। फिर भी हम लोग ऐसी धूप में तप रहे हैं, दिन भर हम ऐसी धूप में बैठे हैं, बच्चों को लेके बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जी। सीएम शिवराज हम बहुत परेशान हो चुके हैं जी। बिल्कुल, 4 साल आप लोगों ने अपनी नियुक्ति का इंतजार किया है, भर्ती प्रक्रिया भी काफी लंबी चली, कोविड की वजह से भी कई बार आप लोगों की जो नियुक्ति थी वो अटक गई, और अब एक बार फिर नियुक्ति पत्र जारी होता है, लेकिन उसमें एक वर्ग जो आप लोग हैं ओबीसी वर्ग को उसमें से हटा दिया जाता है। तो जैसा कि अभी भरत जी भी बता रहे थे कि जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनसे मिलने की कोशिश की गई, क्या कैसा रिस्पॉन्स रहा है, क्यों आखिर नहीं मिलना चाह रहे, क्यों कोई बात नहीं करना चाह रहे? मैम शिक्षा मंत्री जी ने तो साफ बोल दिया है कि जो भर्ती होनी थी हो गई, अब हम कुछ नहीं करेंगे, जितनी भर्ती होनी थी उतनी हमने कर ली, अब आपका कोर्ट से होगा तभी हम देखेंगे, बस ये जवाब दिया और नाट के भगा दिया उन्होंने। और देखिए अब महिलाओं के लिए खासतौर पे काफी डिफिकल्ट होता है हर चीज, क्योंकि घर से बाहर निकलना, काम करने जाना, और जिम्मेदारियां भी होती है, सोसाइटी ऐसी है कि ज्यादा जिम्मेदारी जो होती है फैमिली की वो महिलाओं के ऊपर होती है, तो ऐसे में आर्थिक रूप से भी जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, मानसिक रूप से भी इन तमाम चीजों की वजह से आप लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। जी मैम, बहुत बहुत ज्यादा परेशानियां हमको झेलनी पड़ रही है, यहाँ पे सभी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर रोज रोज आती है, उनके छोटे छोटे दो दो तीन तीन साल के बच्चे हैं, वो ऐसी धूप में आते हैं तपते हैं तो बीमार हो जाते हैं, आए दिन उनको लू लगती रहती है, हम सभी मतलब अपने बच्चों को लेके आते हैं, मेरा भी एक छोटा बेटा है, मैं उसको रोज लेके आती, पर आज मैं उसको घर छोड़ के आई हूँ, वो भी बीमार हो गया क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यूसली आ रहा था तो उसको लू लगती थी जी। ये भी देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मामा कहते हैं, तमाम जो बच्चे उनका अब बहनों का भाई कहते हैं, और इतनी जरूरी चीज आप लोग 1 महीना से ज्यादा हो गया है धरना दे रहे हैं और सुनवाई नहीं हो रही है। जी मैम, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी जी। मामा जी तो बिल्कुल सुनने को ही तैयार नहीं है, बल्लभ भवन में आज भी मामा जी थे पर उन्होंने हमसे मिलने से साफ इनकार कर दिया, बोले जब इनका मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ तो मैं इनसे क्यों मिलूं। अच्छा, कोर्ट का बात, वो लगातार जो मंत्री हैं तमाम सरकारी अधिकारी सभी लोग कोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने कोर्ट जाने की, किसी वकील से कानूनी राय लेने की कोशिश की है? जी मैम, हमने कई बार वकीलों से राय लेने की कोशिश की है, वकीलों का कहना है कि जब सरकार कोर्ट में डाटा पेश करेगी और आप लोगों को 27 दिलाएगी तभी आपका मतलब कुछ होगा, सरकार बस दिखावा करती है मैम, बस बोलती है कि हम 27 दे रहे पर दिया नहीं है अभी तक, दिया होता तो हम लोगों को मिला होता ना, हमको तो मिला ही नहीं है, तो फिर सरकार किस उस पर दावा करती है कि है ना मतलब हमने 27 दिया है।